गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूपीएससी मेंस के पेपर नंबर 1 में। तो जनरल स्टडी का पेपर नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 हम कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप। तो इसमें हम लोग कर चुके हैं सल्तनत काल की वास्तुकला। अब सल्तनत काल के दौरान ही जो प्रांतीय शैलियाँ उभर के आई, उनकी वास्तुकला में क्या क्या डिफरेंस था, क्या कौन कौन सी शैलियाँ किस किस क्षेत्र में उभर के आई, आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। और आज ही मैं एक और लेक्चर प्रेजेंट करूँगी जिसमें हम मुगल काल की वास्तुकला देखेंगे। तो आज ये दोनों टॉपिक खत्म करके नेक्स्ट में हम मेडिवल में जो भी वास्तुकला आया, सॉरी मॉडर्न इंडिया में जो वास्तुकला आई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं आपके साथ उनमें शेयर करना वीडियो को ज़रूर मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे की आज के टॉपिक में क्या क्या पॉइंट है। तो हमने देख लिया था कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला में एक था साम्राज्यवादी शैली, जिसके हमने गुलाम वंश, लोदी वंश और सैयद वंश, ये सबके बारे में हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि इनकी वास्तुकला की शैलियाँ किस प्रकार की थी। अब हम देखेंगे कि आज प्रांतीय शैली किस प्रकार की थी, प्रांतों में किस अलग अलग प्रांत, जैसे मालवा प्रांत हो गया, जौनपुर हो गया, दक्षिण का क्षेत्र हो गया, गुजरात का क्षेत्र हो गया, तो इन प्रांतों में शैलियाँ कैसे उभरी और क्या डिफरेंस थी इन शैलियों में, तो इसके बारे में हम लोग आज की लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रांतीय शैलियों की अगर हम बात करें तो इसमें है बंगाल शैली आती है, जो कि हमारे पूर्व की तरफ होगी। जौनपुर शैली हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया कवर करेगी। मालवा शैली जो कि मध्य प्रदेश के एरिया में आएगी। गुजरात जो कि गुजरात और राजस्थान के एरिया कवर करेगी गुजरात शैली। और दक्षिण कला शैली इसके अंतर्गत पूरा हमारा साउथ का एरिया कवर होगा। तो ये प्रॉपर चारों तरफ से हमारा ये प्रांतीय शैलियाँ जो हैं वो उभर के आई थी। तो क्वेश्चन इसमें अलग से भी आ सकता है कि आप बंगाल शैलियों के बारे में बताइए, उसकी विशेषता बताइए और उसमें क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड हुई, कौन कौन से उदाहरण आप दे सकते हो, ये सारा पूछ सकते हैं। प्लस इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि प्रांतीय शैलियों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये आपको पांचों फिर शैलियाँ लिखनी पड़ेंगी, उसमें थोड़ा थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन। तो हम क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसके टॉपिक कम्प्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आज हम करेंगे बंगाल शैली के बारे में। तो बंगाल के जो स्थापत्य में थे, पत्थर का कम उपयोग किया गया था और ईंटों का ज़्यादा प्रयोग किया गया था। जो कि पकी हुई ईंटें थी वो बंगाल में ज़्यादा यूज़ की गई थी। बंगाल कला जो स्थापत्य शैली थी, इसके जो सर्वप्रथम नमूने की अगर हम बात करें तो वो मिलता है जफर खां गाजी के मकबरे में, जो उसकी मस्जिद है। और ये हिंदू मंदिरों की सामग्री से बने, मतलब कि पहले वहाँ हिंदू मंदिर हुआ करते थे, फिर उन्हीं मंदिरों के जो ढांचा था जिस पे वो मंदिर खड़े थे उसी सामग्री का यूज़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। विशाल जो विख्यात है अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह द्वारा पांडुआ में किया गया था। और ये जलालुद्दीन मोहम्मद का, यहाँ पे मोहम्मद शाह का सुंदर मकबरा भी है, तो ये भी बंगाल शैली के अंतर्गत ही आता है। और भी अगर हम बंगाल शैली की इमारतों की यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें आता है लोटन मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद। तो एग्जाम्पल्स में आप ये दे सकते हैं कि यहाँ पर जफर खां गाजी का मकबरा हो जाएगा, सिकंदर शाह द्वारा पांडुओं में मस्जिद का निर्माण हो जाएगा जिसका नाम था अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा, लोटन का मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद, ये सारे जो हैं वो बंगाल शैली के एग्जाम्पल हैं। और इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पत्थर का यूज़ नहीं किया गया, ईंटों का यूज़ किया गया और मूलतः जो भी ढांचे ज़्यादातर बनाए गए वो हिंदू की सामग्री को लेके बनाए गए। तो ओवरऑल अगर हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे तो पूरा अच्छे से हम एक से दो पेज में ये पूरा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शैली की बात करते हैं। तो ये आएगी जौनपुर शैली, जो हमारे ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश में फैली थी। जौनपुर का किला जिसमें मेन फेमस है हम कहते हैं, तो ये बनाया गया था 1377 ईस्वी में निर्मित था। यहाँ पे अटाला देवी की मस्जिद है जो सरकी का सुंदर नमूना कह सकते हैं। और ये पूर्व निर्मित अटाला देवी की जो मंदिर है, हिंदू मंदिर, उसके स्थान पे बनाया, मतलब कि जैसा कि आप देख रहे होंगे जितनी भी प्रांतीय शैलियाँ हैं इसमें जो भी मकबरे और जो मस्जिद बनाए गए हैं वो ज़्यादातर हिंदू, क्योंकि पहले हिंदू राजा राज करते थे, वहाँ पर जो भी हिंदू मंदिर बनाए गए थे या पूजा स्थान बनाए गए थे उनको, उनकी जगह पर ये मस्जिद बनाई गई हैं, उनकी सामग्रियों को यूज़ करके ज़्यादातर यही प्रांतीय शैलियों में
काम किया गया है। महत्वपूर्ण इमारत जो है झंझरी मस्जिद, इब्राहिम शाह शर्की ने 1430 में निर्मित कराया था। तो झंझरी मस्जिद कौन सी शैली में आता है, यहाँ पर हम जौनपुर शैली की बात कर रहे हैं। जौनपुर के लाल दरवाजा मस्जिद 15वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ निर्मित हुआ है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं आप बहुत अच्छे से यहाँ डिकोड करेंगे जौनपुर शैली के अंतर्गत। जौनपुर की जो सर्वाधिक उल्लेखनीय विशाल इमारत है वो है जामी मस्जिद, जिसे हुसैन शाह शर्की ने 1417 में निर्मित करवाया था। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होंगे हमारे जौनपुर शैली के। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मालवा शैली के बारे में। तो मालवा शैली जो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में फैली हुई है, मध्य प्रदेश और उसके आसपास का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया मालवा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो मालवा की जो प्राचीन राजधानी है वो धार है, उसमें दो उल्लेखनीय मस्जिद हैं, जो कि पहले वहाँ पे भी मंदिर था और उन मंदिरों को गिरा के यहाँ मस्जिद बनाई गई है। प्रथम जो है हिंदू मंदिर से संलग्न संस्कृत पाठशाला है, जिसे भोजशाला भी आप कह सकते हैं, तो वो जो बनाया गया था राजा भोज द्वारा, तो उसकी जगह भी यहाँ मस्जिद बनाई गई। इसकी इमारत जो परिवर्तित कर दिया और उसका नाम योगशाला भी रखा, उसे मतलब दूसरा नाम उसे योगशाला भी कहते हैं। दूसरी जो मस्जिद है वो भी हिंदू मंदिरों की सामग्री से बने हैं। तो अभी तक आपने कॉमन चीज़ यही देखी होगी कि जो भी हम प्रांतीय शैलियों में देख रहे हैं वो हिंदू के जो अवशेष होते हैं उन्हीं के ऊपर वो ढांचा तैयार करके बनाया गया है। दोनों मस्जिदों में हिंदू का प्रभाव झलकता है। मालवा के मुसलमान शासकों ने मांडू को राजधानी बनाया, मतलब पहले राजधानी थी धार, उसके बाद जब मुसलमान शासक आए मालवा में तो उन्होंने मांडू को यहाँ राजधानी बना दिया। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हुसैन शाह ने मांडू के किले का भी निर्माण कराया था और किले के अंदर की इमारतों में जामी मस्जिद सर्वाधिक विशाल और शानदार है। तो मांडू का किला जो कि बहुत ही फेमस है एमपी में, धार में पड़ता है ये, तो यहाँ पे जो मांडू का किला है उसका निर्माण करवाया था हुसैन शाह ने। और भी अन्य इमारतें हैं मांडू में जो कि मालवा शैली की उल्लेखनीय वास्तुकला के अंतर्गत सम्मिलित हो सकती हैं, जिसमें है हिंडोला महल, जहाज महल, हुसैन शाह का मकबरा, रूपमती, रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर के महल, ये सारे मांडू में पड़ते हैं जो कि धार में हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं जो मालवा शैली के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट शैली की बात करेंगे हम लोग। तो ये गुजरात शैली, और गुजरात और राजस्थान दोनों ऑलमोस्ट मिली हुई शैलियाँ हैं क्योंकि दोनों आसपास के एरिया में, तो उस पूरे एरिया में जितनी भी शैलियाँ फैली हुई हैं वो गुजरात शैली के अंतर्गत आती हैं। और गुजरात की जो राजधानी अहमदाबाद है, इसकी नींव जो डाली थी अहमद शाह ने डाली थी, और अहमद शाह के नाम से ही अहमदाबाद नाम पड़ा था गुजरात की राजधानी। गुजरात शैली की जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वहाँ की जामा मस्जिद है, जिसे अहमद शाह ने ही निर्मित करवाया था। और अहमद शाह का मकबरा जामा मस्जिद के पूर्व में एक अहाते में निर्मित है, मतलब कि जो वहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था वहीं पर ही उसका मकबरा भी बाद में बनाया गया। अब गुजरात शैली में एक महत्वपूर्ण नाम आ जाता है महमूद बेगड़ा का। इसने भवनों सहित 3 नगर बसाए थे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है महमूद बेगड़ा का नाम गुजरात शैली के अंतर्गत। चंपारण की जामा मस्जिद शिल्पकला की दृष्टि से गुजरात की सबसे सुंदर मस्जिदों में से एक मानी जाती है। गुजरात शैली को सर्वाधिक स्थानीय भारतीय शैली के नाम से माना गया क्योंकि वहाँ की जो शैली थी ऑलमोस्ट वहीं के, मतलब कि जो पुरानी चीज़ें हैं वहाँ से लेके वहीं पे बनाई गई थी। जैसे और शैलियों की हमने देखा तो उन्होंने मंदिरों की सामग्री से नई नई चीज़ें, मतलब उसी को यूज़ करके अपने नए भवन तैयार किए, बट यहाँ जो गुजरात शैली की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ उन्होंने अपनी एक मौलिक कला विकसित की और इसलिए उसे स्थानीय भारतीय कला शैली माना जाता है। ऐसे ही आगे जैनुल आबदीन के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतों का भी यहाँ निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे 3 लोग मेन हैं याद रखने वाले, अहमद शाह, महमूद बेगड़ा और जैनुल आबदीन, जिन्होंने गुजरात शैली को आगे बढ़ाने में वास्तुकला की दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो गुजरात शैली में आप इसको ही और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण कला शैली, जिसके अंदर बीजापुर, बीदर और नीचे जो गोलकुंडा है वहाँ की सारा एरिया यहाँ पे आ जाता है। तो उसकी क्या विशेषताएं थी वो देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत के बहमनी सुल्तानों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली को जन्म दिया जो भारतीय, तुर्की, मिश्री और ईरानी शैलियों के समन्वय में था।
मतलब कि यहाँ पे उन्होंने जो भी शैली में नई नई चीज़ें यूज़ की हैं वो भारतीय से भी ली गई, उन्होंने तुर्की से भी लिया, मिस्र से भी लिया और ईरानी से भी लिया। उसके ही समकालीन उन्होंने नई शैली की रचना की। यहाँ पे गुलबर्गा और बीदर की मस्जिद इसी काल में इसी शैली में निर्मित इसी कला या इसी शैली में निर्मित मस्जिद हैं गुलबर्गा और बीदर की मस्जिद। और बीजापुर में हम जो देखते हैं जितने भी स्थापत्य स्थापित हुए हैं वहाँ दक्षिण कला शैली बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है और इसी शैली में मतलब कि दक्षिण कला शैली में ही निर्मित है। और अगर हम और इमारतों की बात करें तो यहाँ गुलबर्गा की जामा मस्जिद है, दौलताबाद की मीनार है और बीदर का महमूद गवा का मदरसा है। ये मेन इम्पॉर्टेंट है जो दक्षिण कला शैली की से निर्मित जो इमारतें हैं वो यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपको डाउट है इन शैलियों के बारे में, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वेरी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। और भी और कौन से टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएँ। तो इसी तरह आगे की सीरीज़ देखते रहिए और कीप इन टच विद अस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।